मैं वीडियो उसके ऊपर ढालता रहता हूँ बट डोंट वरी हमारा मोटिव है क्लास सिक्स से लेकर के क्लास ट्वेल्व तक सभी एनसीआर को मैं आप, आपके साथ डिस्कस करूंगा अगर आपने इससे पहले की हमारी वीडियोज नहीं देखी है तो मेक श्योर sure अभी तक जितनी भी लेक्चर्स मैंने लिए हैं क्लास सिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनको एक बार आप जरूर देखिए पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट अर्थ ऑर्बिट एंड द ईयर आई एम श्योर आप लोगों ने अर्थ ऑर्बिट के बारे में पढ़ा है पहले भी मैंने डिस्कस कराया था जब हमने बात की थी अबाउट कि जो रेवोल्यूशन और रोटेशन बात की थी लेकिन आज बात करेंगे ऑर्बिट के बारे में क्या है क्या स्पेशल है चीज के बारे में और लीप ईयर कब ऐसा होता है कि एक साल में 366 डेज क्यों होते हैं हर एवरी फोर्थ ईयर कहते हैं कि एवरी फोर्थ ईयर जो है इट्स अ लीप ईयर बट वाई सो उसको आज हम बात करेंगे तो इससे पहले हम लोग शुरू करें एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग के लिए और है दोस्तों जिसको आप मेक श्योर sure कि आप बिल्कुल भी मत भूलिए और उस इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट को आप समझिए देखिए अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन आप लोग लेते रहते हैं आई एम श्योर आप लोगों को पता है अन अकेडमी इज वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एक स्पेशल ऑफर है आप लोग के लिए थर्टी फर्स्ट मार्च से पहले अगर आप सब्सक्राइब करते हैं अन अकेडमी प्लस को तो यू हैव टू मेक श्योर डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि अगर 31 मार्च से पहले आप सब्सक्राइब करेंगे लिए लिए प्लस को यूजिंग माय रेफरल कोड आशीष मलिक तो ऐसा करने पे आपको चार महीने की सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगी वन ईयर और ये सिर्फ वन ईयर पे ही वैलिड है तो वन ईयर का ही सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये ऑफर चाहिए और चार महीने की एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन या प्रीलियम 2022 जो भी बाद में होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा तो यानी एक सब्सक्रिप्शन में आप एटलीस्ट दो कवर करेंगे दैट इज द मोटिव और ये बहुत लिमिटेड टाइम ऑफर है सिर्फ थर्टी फर्स्ट मार्च तक है तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम यूज माई रेफरल कोड सेव मनी गेट डिस्काउंट एंड ऑल्सो गेट फोर मंथ एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन ऑन एन अकेडमी प्लस चलिए बात शुरू करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर के बारे में तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में जहाँ सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा पार्ट डे है कौन सा पार्ट नाइट है जो पर्टिकुलर फेस सन की तरफ है हाफ ये सर्कल तो यहाँ पे हम डे एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बैक साइड में भी एक्सपीरियंस नाइट और ये सारा क्यों होता है इट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ दर्थ तो कोई आपसे पूछे कि वाई डू वी हैव सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ठीक है ना तो रोटेशन अपने एक्सिस पे रोटेट करती है अर्थ आपको बताया था और वो भी आपके टिल्टेड एंगल पे अगर हम बात करेंगे इसके बताया था फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन इसे कहते हैं अर्थ की एक्सिस ऑफ अर्थ दिस इज अ वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर और ये उसका ऑर्बिटल प्लेन जिसको और हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तो ये एंगल है आपका सिक्सटी सिक्स एंड हाफ ये ट्वेंटी थ्री एंड हाफ तो ये अभी तक हम सारी चीज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लेकिन एक छोटा सा सवाल क्योंकि रोटेशन की हमने बात की थी पिछले वीडियो में रोटेशन रेवोल्यूशन दोनों आपको समझाया था अब एक छोटा सा सवाल ये है एनसीआरटी की बुक के हिसाब से कि मान लीजिए ऐसी सिचुएशन हो कि भाई अर्थ रोटेट ही ना करे देन वट वुड हैपन है अर्थ डिड नॉट रोटेट अगर अर्थ रोटेट ना करती तो क्या हो जाता जो पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन है जो राइट right साइड है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का दैट वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस द द डे ब्रिंगिंग टू रीजन अदर हाफ वुड बी इन डार्कनेस बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन तो आप यहाँ पे आपको रिलेट ये करना है कि अगर अर्थ मान लीजिए रोटेट करना बंद कर दे तो अर्थ की रोटेशन रुकने से एक एक तरह से लाइफ रुक सकती है अर्थ के ऊपर आप कहेंगे सर ऐसा क्यों आप सोचिए ना इमेजिन कीजिए ये जो आप ऑफ सर्कुलशन आपने देखा ये अच्छा अच्छा खासा रोटेट कर रहा है ठीक है ना ये रोटेट करता है हर 24 घंटे में डे और नाइट बदलते रहते हैं मान लीजिए अचानक से स्टॉप हो गया अचानक से जो जहां था वो वहीं रुक गया अब जो हिस्सा सन की तरफ है यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए दिन हो गया हमेशा के लिए दिन हो गया तो सनलाइट लगातार रिसीव होती रहेगी जगह बदलेगी नहीं कंटिन्यूसली एक टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हॉट ये एरिया हो जाएगा बैक साइड में कभी भी सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो ये हमेशा डार्कनेस में रहेगा और एक टाइम के बाद फ्रीजिंग कोल्ड बन जाएगा तो ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में लाइफ इज नॉट पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर डोमेन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड राइट अच्छा ये तो ही रोटेशन ना होने की बात दूसरा मैंने आपको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रेवोल्यूशन के बारे में तो जो सेकेंड मोशन है अर्थ का दैट इज वट वी कॉल एज रेवोल्यूशन अभी रेवोल्यूशन क्या है तो रोटेशन अपने एक्सिस पे घूमना रेवोल्यूशन मतलब सन के चारों तरफ घूमना वो भी एक ऑर्बिटल प्लेन द सन ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है तो जो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है जो अर्थ है जो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी वो पूरा पूरा 365 डेज लेती है और साथ में वन एंड वन बाय फोर्थ का मतलब है सिक्स आवर्स ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनिए वी कंसिडर अ डे एज 365 डेज और हम ये छ जो अलग से छह घंटे हैं इनको हम इग्नोर करते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस क्योंकि अगर हम उसी साल में 365 डेज के साथ में छह घंटे अगर हम ऐड करें तो बड़ा बड़ा इनकन्वीनियंट हो जाएगा कैलेंडर मेंटेन करना कहाँ एडजस्ट करें छह घंटे को क्योंकि देखो आप आप समझो क्योंकि एक दिन तो हमारा चौबीस घंटे का है राइट अब ट्वेंटी फोर आवर को हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि यार यहाँ पे किसी दिन दो मिनट ज्यादा दो मिनट कम वो सब नहीं कर सकते तो छह घंटे को डिस्ट्रीब्यूट करना इज अ बिग चैलेंजिंग टास्क तो हमने क्या किया आसानी के लिए छह घंटे पहले साल के लिए इग्नोर कर दिए वी कंसिडर ईयर एज थ्री सिक्सटी फाइव डेज ओनली एंड वी इग्नोर दिक्स आवर्स ये आवर्स हर बार ऐड होते रहे क्योंकि हम आप इमेजिन आप कीजिए पहला साल तीन सौ पैंसठ दिन प्लस में छह घंटे इग्नोर कर दिए हमने ठीक है अगली बार फिर तीन सौ पैंसठ प्लस छह घंटे इग्नोर कर दिए तीसरा तीन सौ पैंसठ प्लस छह घंटे फिर इग्नोर कर दिए लेकिन जब चौथा साल आएगा जो फोर्थ ईयर होगा थ्री सिक्सटी फाइव प्लस सिक्स तो अगर आप देखेंगे तो ये भी तो अपने आप में एड होते होते सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी फोर और जब यहां पे 24 फोर आवर्स आपके पूरे हो जाएंगे फोर्थ ईयर में जाकर के तो इट वुड बी थ्री फाइव डेज प्लस ट्वेंटी फोर आवर्स ट्वेंटी फोर आवर मीन देर इज अ वन डे इसीलिए हर चौथा साल तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई हर एवरी फोर्थ ईयर इज अ लीप ईयर लीप ईयर वही साल होता है जिसमें ट हो के सिक्स प्लस सिक्स सिक्स ईयर कहते हैं और ये सब जानते हैं कि ईयर हम कहां पे एडजस्ट करते हैं जो फेब्री का मंथ है तो उसके अंदर नॉर्मली अट्ठाइस दिन होते हैं हम इसको ट्वेंटी नाइन्थ मान लेते हैं when it, when it is a leap year. तो ये तो बात हुई ये कॉन्सेप्ट हुआ लीप ईयर के बारे में लीप ईयर का भी एक बात ध्यान रखिएगा इसकी हर चौथे साल में जो क्लॉक्स है क्लॉक जो एग्जैक्टली exactly वर्ल्ड के टाइमिंग्स को मेंटेन यूटीसी है, है आपका यूटीसी को जो मेंटेन रखती है उसमें आपका आ, ये एडजस्ट करना पड़ता है ना एटॉमिक क्लॉक हर चीज को क्लॉक को एडजस्ट करना पड़ता है ये एक दिन फॉर द सेक ऑफ दैट वन सिंगल डे साथ ही साथ में लीप ईयर तो आप समझ गए लीप ईयर में आपको पता चला कि ये कहां से एक एक्स्ट्रा दिन आया ऑर्बिट के बारे में भी पूछ सकते हैं एक बात और आपको समझना है कि अर्थ का ऑर्बिट ऑर्बिट जो है अराउंड द सन इट इज एन एलिप्टिकल एलिप्टिकल अब आप समझें, elliptical क्या एलिप्टिकल ऐसा है कि आपने यहां भी नोटिस किया होगा पहली बात तो मैंने सन को बीच में नहीं बनाया बहुत बच्चे गलती कर देते हैं सन को सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम बोलते हैं अगर सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम होता सन बिल्कुल बीच में होता तो डेफिनेटली गाइस यहाँ पे अर्थ हमेशा सेम इक्वी डिस्टेंट रहती बट दैट इज नॉट द केस अर्थ का जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल है कुछ इस तरह से फैला हुआ है सन के अराउंड और एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा होता है जब अर्थ सबसे क्लोजेस्ट होती है और एक टाइम सबसे फारेस्ट सबसे दूर होती है उसके बारे में मैं बात करूंगा लेकिन एक बात आपको नोटिस करना है थ्रू आउट दी ऑर्बिट अर्थ इज इंक्लाइन इन द सेम डायरेक्शन और इंक्लिनेशन अर्थ की कितनी मैंने लास्ट टाइम बताया था ट्वेंटी थ्री एंड डिग्री अर्थ की इंक्लिनेशन पहली बात मैं जानना चाहता हूँ क्या ये इंक्लिनेशन हमेशा हमेशा के लिए फिक्स्ड है क्या इंक्लिनेशन कभी चेंज नहीं होती वेल well गाइज ये अभी एट प्रेजेंट की इंक्लिनेशन है स्टडीज और साइंटिस्ट बताते हैं कि इंक्लिनेशन वेरी कर सकती है राइट फ्रॉम ट्वेंटी टू डिग्री से लेकर के ट्वेंटी फोर एंड अ हाफ डिग्री ये इंक्लिनेशन 22 से साढ़े चौबीस डिग्री के बीच में वेरी करती है अभी एज ऑफ नाउ ये साढ़े तेईस डिग्री है बट फ्यूचर में कम या ज्यादा थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन हो सकता है ईयर इज डिवाइडेड इनटू समर विंटर स्प्रिंग ऑटम सीजन चेंज चेंज ड्यू टू इन ऑफ अर्थ अराउंड द अराउंडी अब आप, आप समझिए जो सीजन है वाई डू वी हैव डिफरेंट डिफरेंट सीजन सीजन आते हैं बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन और डे एंड नाइट आता है बिकॉज ऑफ रोटेशन तो ये दोनों बातों में कंफ्यूज नहीं होना जहां पे भी आप वर्ड पढ़ेंगे रेवोल्यूशन तो आपको याद रखना है सीजन जहां पे भी आप वर्ड पढ़ेंगे रोटेशन देर यू हैव टू रिमेम्बर नाइट एंड डे अब आपसे मैंने क्वेश्चन जो किया है यहां पे क्वेश्चन आपको मैंने ये किया कि भाई बताइए अर्थ जो सन है मैंने बता दिया आपको इट इज नॉट इन द सेंटर सन आपका स्लाइटली साइड में स्लाइटली कॉर्नर में उसका क्या इंपैक्ट होता है क्यों होता है क्या इंपैक्ट होता है इसको हम देखेंगे अगली वीडियो में देखेंगे लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां दिखा दूं और वो है ये डायग्राम जिसकी बात कर रहे हैं ना रेवोल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन क्योंकि एक सन यहाँ पे भी टेक्निकली मैं बात करूं तो ये डायग्राम गलत है हालांकि एनसीआरटी का है टेक्निकली सन को यहाँ नहीं थोड़ा इधर होना चाहिए था तो उसका कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको कि क्यों एक मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस रहता है और ये सिर्फ सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है सभी और सभी प्लैनेट्स का यही रहता है सेंटर सन इज इन द्लाइटली कॉर्नर बट डू रिमेंबर गाइज रेवोल्यूशन की वजह से वी हैव सीजन एंड रोटेशन की वजह से वी हैव द डे एंड नाइट अब आखिरी सवाल जाने से पहले जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में देना है टेल मी द नेम ऑफ द पोजीशन जब अर्थ सबसे क्लोजेस्ट होती है सन के एंड टेल मी द नेम ऑफ द पोजीशन व्हेन अर्थ इज द द फ्रॉम सन आपको नाम भी बताना है इस पोजीशन का और हो सके तो यू हैव टू टेल मी द डेट दल्सो देखते हैं कितने बच्चे कमेंट आंसर कमेंट करते हैं सही तो वीडियो के एंड में आप जरूर कमेंट करें और यहीं पे अगर आंसर आपको पता है तो रोक के पॉज करके भी कमेंट कर सकते हैं लेकिन जाने से पहले दोस्तों अगर आप प्रीलिम्स के, तो के लिए एक ऐसी बुक है जिसकी मदद से आप एस अच्छा प्रिलियम्स तो अगर आप नहीं जानते कि कौन सी बुक कहा से फॉलो करें तो दोस्तों ये मेरी लेटेस्ट बुक है जिसे आप परचेस कर सकते हैं फ्रॉम द्लिपकार्ट दोनों जगह अवेलेबल है ये बुक बस आपको ये किस नाम से मिलेगी वन थाउजेंड मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज के नाम से बुक आपको मिलेगी यू कर जस्ट है प्लस साथ में 500 previous year question अलग से, और करीब करीब दस माइंड मैप आपको दिए गए हैं फॉर अ क्विक रिविजन तो गाइज आप चाहे दो को प्रिपेयर करें 22 को प्रिपेयर करें दोनों के लिए इट्स गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट बात

थर्टी फर्स्ट मार्च से पहले उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक्स सो मच गॉड ब्लेस यू एंड डोंट फॉरगेट टू गिव द आंसर